जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को जोड़ने वाली पहली उड़ान हुई शुरू। 30 दिन तक लगेगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जैसा किराया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर पीएमसी पर्यटन वायु सेवा नाम से अंतर्राज्य हवाई सेवा का शुभारंभ किया, जहां इस विमान के जबलपुर पहुंचने पर डुमना एयरपोर्ट पर उतरते ही फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पर्यटन वायु सेवा के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे सहित भाजपा विधायक शामिल हुए, जहां से इस विमान को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया गया। भोपाल से आई इस पीएमसी पर्यटन वायु सेवा के इस 8 सीटर विमान में जबलपुर के अशोक पवार सहित 4 यात्री रीवा के लिए रवाना हुए। बता दें कि 30 दिनों के लिए 50% की छूट के बाद अंतर्राज्य सेवा का किराया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के किराए से थोड़ा अधिक होगा और उन्होंने बताया कि हवाई सेवा के जरिए भोपाल से इंदौर पहुंचने में मात्र 55 मिनट ही लगेंगे। मैं आपका आज बधाई वाला ग्रुप से सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं बागे आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर विकास में नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन दिए थे रोड मैप के, तो मुझे लगता है आज तीसरे दिन ही उन 100 दिनों में विकास की ओर सरकार बढ़ चुकी है और ये जो सौगात मध्य प्रदेश को मिली है ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि जो लोग आ जा रहे हैं उनको कितनी सहूलियत हो रही है और उनको कितनी सुविधा मिल रही है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं ही सबसे दूरस्थ जिले सिंगरौली का हूँ, पर मैं भोपाल से चला हूँ और अगले 3-3.5 घंटे में सिंगरौली पहुँच जाऊँगा। मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने ये जो सुविधा हम लोगों के लिए की है कि हम आज तो कम किराया हो गया है, कम से कम किराए में भोपाल से सिंगरौली पहुँच सकते हैं। हमें कोई एमरजेंसी काम है, पहले हमें 12-12 घंटे लग जाते थे बाई रोड आने में, बाई ट्रेन आने में, मगर अब जो हमें सिर्फ 3-4 घंटे लगने हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी कंपनी जेट्स सर्व एविएशन को मौका दिया भोपाल की जनता की सेवा करने का। और आज हमने पहली फ्लाइट की भोपाल से जबलपुर, ये तकरीबन 45 मिनट्स की फ्लाइट थी। यहाँ से अब हम रीवा जाएंगे, अराउंड 25-30 मिनट्स का फ्लाइट टाइम है, और वहाँ से सिंगरौली अराउंड 20 मिनट की फ्लाइट है। तो जैसा आप ठीक कह रहे हैं, ये जो छोटे शहर हैं रीवा सिंगरौली, यहाँ के लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाने की, और बाकी देश में कहीं और जाना है तो वो लोग जबलपुर और भोपाल एयरपोर्ट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और देश के बाकी स्थानों पे जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। अरे फ्लाइट आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं वो लोग। कुछ लोगों ने तो सर घूमने के लिए टिकट बुक किया कि ये फ्लाइट कैसी होगी, तो बहुत ही बढ़िया है। और हमारे जो ओनर हैं इसमें मिस्टर ओला, उनकी लीडरशिप में काम हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आज वाकई मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश के विकास में एक नया मील का पत्थर यहाँ पर स्थापित किया है, ये प्रदेश को जोड़ने वाली योजना। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, धर्म के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार जगत को बढ़ावा मिलने वाला है, और व्यक्ति की कम कीमत पे कम समय में अधिक से अधिक उसके समय का उपयोग हो सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते आज अभी 8 शहरों को जोड़ने का जो काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से ये बदलते मध्य प्रदेश की एक तस्वीर हमारे सामने आने वाली है, और आने वाले समय में मुझे लगता है और ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे जिसका हम सब उसके हम साक्षी होंगे, गवाह होंगे। हम सभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि एक बड़ी सुविधा, एक बड़ी सेवा उन्होंने जबलपुर महाकौशल और मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराई है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। इसके माध्यम से जबलपुर के 8, मध्य प्रदेश के 8 प्रमुख शहर जबलपुर सहित जुड़ रहे हैं, जिससे न केवल देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी, ऐसे वे सभी पर्यटक जो हमारे पर्यटन स्थलों पर जाना चाहते हैं या जो हमारे आस्था के बड़े केंद्र हैं उन पर जाना चाहते हैं, उनको इसके माध्यम से बड़ी सुविधा प्राप्त होने वाली है। ये थी आज की खबर, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार।
अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।